अंतर यही समझ में आ रहा है कि गुंडे ही चल रहा है बिहार में, और घर में घुस के गोली मारा गया। ये मतलब लोग ये भी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप सॉन्ग ऑफ बिहार क्यों लिखते हैं, हम और घर से बोलते हैं कि वो बिहार का बेटा है और मनीष कश्यप का हम भाई हैं, समझे। देश जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ नितेश कुमार यादव जी हैं और मनीष कश्यप पे जो कार्रवाई जो हो रही है उसके विरोध में इन्होंने सर मुड़वा लिया है, और आगे नितेश जी अपना परिचय देंगे। नितेश जी सबसे पहले आपका स्वागत है पॉजिटिव इंडिया पे। जी आपका भी स्वागत है, और मेरा परिचय है सर, हम कुछ नहीं सिर्फ एक निष्पक्ष युवा हैं। जी और जहां तक की बात है कि एनएसए जो लगाया गया है मनीष कश्यप के ऊपर, जी आज तक कुछ भी हुआ तो समर्थन में हमने आए नहीं, कुछ बोले हैं, लेकिन हम सपोर्ट करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ भी वो ऑलरेडी पहले ही पोस्ट कर दिए थे, मतलब समर्थन करने से पहले, कि मेरा भी जो भी समर्थक है सही समर्थक है, वो कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा जाकर के, नहीं तो सोशल मीडिया पे ना तो कहीं भी। हाँ मनीष का हाँ बोलिए बोलिए। हम उसके बातों को फॉलो करते हुए एनी टाइम चलते रहते थे, लेकिन अब जो एनएसए लगा दिया गया है तो ये संविधान का हम विरोध नहीं करते, संविधान अच्छी चीज है, एक्ट भी अच्छा चीज है, लेकिन एक्ट का जो गलत किया जा रहा है अभी जी, तो इससे संविधान का भी नाम बदनाम हो रहा है और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी नाम मतलब गिराना चाहता है ये सब। सबसे इससे पहले टाटा एक्ट था, अगर टाटा एक्ट अभी रहता तो उसका भी नाम कहीं ना कहीं मतलब डुबा देता, कुछ ना कुछ कारण होगा तो उसको भी इसलिए बंद कर किया गया। देखिये सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप नीतीश कुमार यादव जी हैं, हम इस बात पे आप शायद बुरा मान जाए लेकिन अभी जो हो रहा है उसके आधार पे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का विरोध करने के कारण मनीष कश्यप पर ऐसी कार्रवाई हो रही है, और मनीष कश्यप यादव विरोधी है, तो फिर आप एक यादव होकर के जिसने तेजस्वी यादव का विरोध किया, आप क्यों मनीष कश्यप के पक्ष में आए? नहीं देखिए, यादव का जो बोलिएगा तो यादव हम ना तो लालू यादव के नाम से यादव लिखते हैं ना तो तेजस्वी यादव के नाम से यादव लिखते हैं, हमको गर्व है कि मेरा मतलब यादव जो है ना चीन में मरा था, चीन के युद्ध में जो है शहीद हुआ था, उनके नाम पे हम यादव लिखते, नहीं तो हम यादव अभी हटा सकते थे, यादव हम उसके नाम पे लिखते हैं। और मनीष कश्यप को जहां तक की सपोर्ट की बात रही तो 2020 में हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे दिल्ली में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था, और मेरे अंदर जो एनर्जी मिल रहा था, हम सबको एनर्जी मिल रहा था, तो मनीष कश्यप की वीडियो देख करके, उसके बाद खान सर था वो, उसके बाद सोनू सर वो भी मदद कर रहे थे, ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी 1,000 रुपया मतलब वो भी मतलब दिए थे, लेकिन सिर्फ 1,000 रुपया देने से हो जाता है कितना का जान चले गया उसमें, और मनीष कश्यप को मतलब हम मिले नहीं थे, अगर उससे हम मिल चुके हैं उसके साथ मतलब दो पल मतलब गुजार लिए हैं, 2-3 मिनट 4 मिनट जो भी हो देखे हैं, उसके दिल की गहराई को देख चुके हैं, तो हम मेरा आँख कैसे धोखा खा सकता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजदूरों की आवाज उठाते हैं मनीष कश्यप, सच्चाई के साथ हैं, इसीलिए आप उनका साथ दे रहे हैं एक यादव होने के बावजूद भी, आपका यही कहना है? यादव बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मतलब यादव जो है ये चीन के युद्ध में भी शहीद हुआ था, यादव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको गर्व है, लेकिन मनीष कश्यप का सपोर्ट इसलिए करते हैं, गरीब का आवाज उठाता है, और जहां तक की बनमनखी में चीनी मिल में किसी को न्यूज कवरेज करने नहीं दे रहा था, लेकिन मनीष भैया गए वहां पर, 10 लोकल जितने पत्रकार था सबको बोला कि जितना मर्जी न्यूज कवर करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हम उसको गलत मान सकते हैं। और आपने ये सर कब मुड़वाया एनएसए लगने के बाद? हाँ एनएसए लगने के बाद नहीं, मतलब ये कल हम किए हैं ऐसा काम। तो आपकी जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें आपने आधा सर मुड़वाया हुआ है, आधा अपना मूंछ मुड़वाया हुआ है, तो उसको फिर आपने पूरा मतलब मुड़वा लिया, अभी तो आपका दिख रहा है। संविधान देखिए एक्ट अगर निकला है तो एक्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक्ट लिखा है तो वो लिखते रहे, मतलब जब तक उसका काम चल रहा है तो लिखते रहे, ऐसा थोड़ा है, उसको मतलब जो सोल्यूशन है वो निकाल करके दे दिए हैं, उसका कैसे उपयोग किया जाए नहीं है, सब एनएसए के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद टाटा एक्ट किया था वो भी मतलब सब कुछ लिखा हुआ था, ये सब तो संविधान का भी नाम मतलब बदनाम करना चाह रहा है, और मनीष कश्यप मतलब कहां से इसके अंदर गलती दिख रहा है, ये आतंकवादी है क्या, मनीष कश्यप आतंकवादी है क्या? देखिए इससे 1.5-2 महीना 3 महीना पहले जो है मेरे मैसेंजर पे मतलब चैटिंग किया गया था, अच्छा। कोई पाकिस्तानी था, वो बोला कि आप हमसे दोस्ती कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, हम मतलब आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम उसको कमेंट में जब तक जवाब दिए इतना ही बोले कि हम मनीष कश्यप को जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो, लेकिन अगर देंगे ना भी तो रेल लेगा बेटा, तुम जहां भी हो पाकिस्तानी है भुखमरी है तुम अपना जियो, कोई दिक्कत नहीं है,
और जहाँ लोग बोला कि एक बार मतलब हमसे जुड़िए ना, तो हम बोले ठीक है मोदी जी से परमिशन लेकर के जुड़ते हैं। मेरा देश का प्रधानमंत्री है तो उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं। अभी जो कोई भी पोस्ट हम डालते हैं तो टैग कर देते हैं, सिर्फ टैग करते हैं मोदी जी का, मोदी जी को। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री वो है तो हम उससे इंसाफ नहीं मांगेंगे। कुछ युवा क्या लिखता है, कुछ युवा लिखता है नीतीश जी आप मोदी का दलाल है, दलाल है मोदी का। अच्छा, आपको मोदी का दलाल कहा जाता है? मोदी का दलाल कहा जाता है कमेंट बॉक्स में। नहीं तो और, आपको और ये देखिए पटना, जहाँ तक कि पटना की अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो हम अपने पिताजी को जो है ना पीएमसीएच के गेट पर से घोड़ा के लेके गए। जैसे कुत्ता नरिया बिलाय मरता है ना वैसे मर रहा था। मेरा पिताजी बोला बेटा प्राइवेट अस्पताल में चलो कहीं वही कर लेते हैं। और लास्ट में जाकर के डॉक्टर नीतीश कुमार है उसको बोले सर मेरा भी नाम नीतीश है जी। यादव वो तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोले कि सर मेरा भी नाम नीतीश है और पूरा विश्वास पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। तो बोला कि आपके पिताजी को दवाई एनी टाइम चलते रहेगा, जितना जब तक बचेंगे तब तक दवाई चलते रहेगा, ये हम खुल के बोल देते हैं आपको। तो तेजस्वी यादव तो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में हमने अभूतपूर्व सुधार किया है। अरे भैया क्या करेगा वो सुधार, ये कटिहार में आए थे नीतीश जी, हम भी कटिहार गए थे कुछ काम के लिए, वहाँ मतलब कोई काम था वहाँ पे गए थे कटिहार। लेकिन देखिए पूरा जगमगा रहा था स्वास्थ्य, जितना भी छोटा स्वास्थ्य केंद्र सब जगमगा रहा था। लेकिन दो दिन के बाद वही देखे तो चलो क्या कचरा कचरा कोई नजर नहीं आ रहा था उस पे। मधेपुरा जिला जिला का चंद्रशेखर जी है अभी शिक्षा मंत्री, हम सबको गर्व हुआ था कि मेरे गाँव का है, मेरे घर के साइड का है। लेकिन कुछ भी नहीं, हमारी स्कूल से अच्छा अच्छा मतलब डॉक्टर इंजीनियर सब वहाँ गए। और एक मेला लगता है छठ का मेला, उसमें उसका जो है अरुण सर नाम का एक टीचर है, सब सब कुछ का मांग कर रहा था। लेकिन उसका मांग की था कि मेरा बहुमंजिला बनना चाहिए स्कूल, इतना चीज निकाले हम नहीं। आप एक चीज बताइए, आपका सब पूरा नाम नीतीश कुमार यादव ही है ना? मेरा नीतीश कुमार यादव है। नहीं, हम इसलिए आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे आप तेजस्वी यादव के विरोध में बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव तो हमेशा कहा करते हैं कि यादव टूटे वाला है, यादव कुछ भी हो जाएगा यादव उनको वोट करेगा ही करेगा, यादव उनका कभी विरोध नहीं करेगा। तो आखिर यादव हम उन सब की बातों पे और उन सब को देख करके यादव अपने नाम पे यादव नहीं लगवाते हैं। और अहिर रेजिमेंट का जो वो सब मांग कर रहे हैं क्या चीज को लेकर कर रहे, लालू यादव का हम सब समर्थक है, लालू यादव का आदमी है, इसलिए अहिर रेजिमेंट का मांग कर रहे हैं। मेरा यादव जो है ना चीन के युद्ध में मरा था, और मनीष कश्यप का बात जहाँ तक की है तो उनका दादा जो है ना परदादा जी वो भी चीन के युद्ध में लड़े थे, उनके मतलब उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, उनका पिताजी इंडियन आर्मी है, क्या मतलब अभी तो फीलिंग होता होगा उनको। नहीं तो देशभक्त है वो, तो सिर्फ एक सेना के जवान का बेटा है ना। तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माताजी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कोई सरकार जो है ना कोई एक सेना एक आर्मी के आगे सब पहले, कोई किसी कुछ के तो कुछ नहीं। कहां फेल है आर्मी है ना, आर्मी आप बोल रहे हैं फेल है, कहां फेल है? तेजस्वी यादव का पावर मनीष कश्यप के पावर में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा है? आज देख लीजिए मनीष कश्यप कहां है। तेजस्वी अंतर यही समझ, सुनिए ना, अंतर यही समझ में आ रहा है कि गुंडे ही चल रहा है बिहार में, और घर में घुस के गोली मारा गया। एक मतलब ये था क्या बोलते हैं बबलू गुप्ता, और बेटा को दिया था कोटा में पढ़ने के लिए, बेटा दो दिन के लिए छुट्टी पाया था, उसके घर में घुस करके गोली मार दिया, इंसाफ नहीं मिला। उनकी माँ क्या सोचती होगी, मेरा इंजीनियर बेटा उनके आएगा, हम मतलब मेरा खुशी क्या, उसकी माँ से खुशियां छीन लिया, माँ के पास सोया हुआ था रात में। नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं तो फतुहा में भी ऐसी घटना हुई, वहाँ पर भी गोलीबारी जो हुई उसमें भी चार या पांच लोगों की मौत हुई थी, यादवों की ही मौत हुई थी, और मुख्यमंत्री सॉरी उप मुख्यमंत्री आवास से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं गए, फिर भी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम यादव हैं और हम हर हाल में लालू यादव को ही वोट करेंगे। तो अरे वो सब गलत फहमी है, जब तक ये जाति प्रथा को लेकर के चलेगा ना तब तक बिहार जो है ना कभी नहीं बदलने वाला है। और यादव कहाँ मतलब कटिहार में तो 7 यादव का कत्ल हुआ था, किसी मतलब सच्चाई जांच भी तो होनी चाहिए, सच्चाई जांच करा देता है वहाँ पे। आप हम नहीं बोलते हैं कि किसी को जाकर के मारे, आप समझ रहे हैं कि आपका ये जब वीडियो जब पब्लिश होगा या आप ऐसा बात जब सोशल मीडिया पर बोलते होंगे तो यादव समाज के ही लोग आपको गालियां देते होंगे, ये बात आप समझ रहे हैं? गाली देगा अगर 10 के लिए मेरा जान भी चल जाए तो कुछ नहीं है समझे। और जहाँ तक कि मनीष कश्यप के बारे में आज तक हम मतलब कमेंट नहीं किए, उसका एक पोस्ट देख करके और पोस्ट को हम फॉलो करते थे, वो बोल के गए थे मेरे समर्थक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मतलब हमको दिक्कत हो या ना हो। अब लेकिन एनएसए लगा दिया गया, आपने बोलेंगे तो कब बोलेंगे, आप ही बोलिए क्या है, कहाँ उसके सीने में लिख रहे हैं, वो पाकिस्तानी है क्या, आतंकवाद है क्या मनीष कश्यप? नहीं तो आपने तो ये जो किया है अभी जो सर मुड़वा लिया या मोछ,
ये तो तब होता है जब परिवार के कोई भी माता पिता या कोई अगर उनका देहांत तो होता है तब, यानी कि आप मनीष कश्यप को बहुत ज्यादा चाहते हैं, इससे तो यही लग रहा है। हम देखिए आपका भी कहना सही है, कोई मतलब देहांत होता है तब मरवाता है, लेकिन मेरे लिए जो है ना देहांत से कम भी नहीं है वो मनीष कश्यप जो है, बिहार का विकास है, विकास जिसको बोलता है विकास खड़ा है, वो विकास हमको नजर आ रहा है, विकास हम आधी अगर वो आधी जिंदगी उसका मतलब ऐसे जा रहा है तो मेरे लिए वो ही मतलब जा रहा है, बहुत दूर दूर खड़ी जा रहा है वो, समझे। तो क्या लगता है आपको कि मनीष कश्यप से एनएसए हटेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है? देखिए हमको जो है न्यायालय पे भरोसा है और हम सबको न्यायालय पे भरोसा है, और वो अगर न्यायालय मतलब न्याय सबके साथ होता है, और सुप्रीम कोर्ट की बात जहां तक की है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम आज तक गलत नहीं सुने हैं, वहां पर न्याय मिलेगा मनीष भैया। अब क्या है मतलब बिहार पुलिस लिया था रिमांड पे, तमिलनाडु पुलिस रिमांड पे लिया था, वो सब से निकल गए, वो सब गलत दोषी नहीं ठहरा पाए, लास्ट में यही ना मतलब एनएसए लगा करके इसको तोड़ा जाए कि करियर खराब किया जाए। जो नहीं समझता है एनएसए उनके लिए बहुत मतलब कुछ नहीं है, जो समझता है उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है एनएसए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारा आखिरी सवाल है आपसे जाते जाते, कि लोगों का कहना है और ऐसा सामने निकल के आ रहा है कि तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप ने चैलेंज किया था और कहा था कि 180 दिन में आपकी सरकार हम गिरा देंगे, इसीलिए तेजस्वी यादव अगले लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने जा रहा है उस चुनाव तक मनीष कश्यप को जेल में रखना चाहते हैं, और एनएसए ही एक ऐसा कानून है जिसमें बिना आरोप सिद्ध किए हुए आप किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रख सकते हैं। तो क्या ये लोगों का आरोप जो है वो आपको लग रहा है कि लोग सही बोल रहे हैं? मनीष कश्यप ने बोले कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, मनीष कश्यप है कहाँ का, बिहार का ही तो है ना, अगर वो बोल ही दिए तो किसके बल पे बोल दिए, जनता के बल पे, वो अपने समर्थक के बल पे। हाँ भले मनीष कश्यप इसलिए भी बोला हो कि तेजस्वी यादव को ऐसा बोलेंगे वो काम अच्छा करेंगे, हाँ, लेकिन उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, मतलब एक बार मतलब माफी का तो चीज होता है ना, भगवान भी एक बार माफ करता है, हर चीज हर जगह देखे कि माफ करता है, मतलब बढ़िया बढ़िया क्राइम करके देखे जाता है बाहर निकलता है तो सुधर जाता है, बोलता है कि हमको जाने कोर्ट में ऐसे बोला गया था कि दोबारा करेगा तो तब तुमको नहीं बख्शेंगे, एक बार तुमको माफ करते हैं। नहीं, इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि आपने जैसा बोला इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जैसे हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी वोट करते हैं, वोट करने का अधिकार है, तो जो वोट कर सकता है, जो सरकार बना सकता है, तो वो तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि हम सरकार गिरा देंगे, तो इसके लिए तो टारगेट करना गलत है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है जिसको भी वोट देने का अधिकार है। एक आम जनता भी बोल सकता है, एक बच्चा भी बोल सकता है उनको ट्रोल करने के लिए कि मेरा मतलब हम ऐसा बोलेंगे तो वो काम अच्छा करेंगे, तो फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वही ना सरकार अभी बोल रहा है कि मोदी जी मतलब विपक्षी को हटा रहे हैं, तो भैया आपका विपक्षी नहीं रहेगा तो आप कैसे काम कीजिएगा, आपको अगर विरोध नहीं करेगा तो आप कैसे काम कीजिएगा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और, जाते जाते लास्ट सवाल हमारा यही है कि मनीष कश्यप के पक्ष में और ये जो एनएसए लगाया गया है उसके विरोध में आपने सर मुंडवा करके अपना विरोध जो जाहिर किया है, आगे अगर इस मामले में अगर एनएसए अगर नहीं हटाया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए इससे भी बेहतर होगा और अभी हम बोल नहीं सकते हैं, मतलब बेहतर होगा इतना ही बोलेंगे, होता है ना मतलब आंदोलन हुआ था, हम बिहार से आते हैं, बिहार में क्या नहीं आंदोलन हुआ था, बिहार को तो हर पल हर दिन आंदोलन करके जीना पड़ता है। नहीं तो कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप एक खास जाति का है, सिर्फ एक खास जाति के लोग बिहार बंद में थे और उसको एक खास जाति के लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आप यादव हैं, तो कुशवाहा भी कह रहा है कि हम मनीष कश्यप के साथ हैं। मनीष कश्यप के दिल में जो है आज तक हम कोई जाति देखे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं, उनके दिल में कहीं जाति नहीं लिखा है, उनके सीने में वो जो बड़ा बिहार का टी शर्ट छपाया है उनके सीने में जय हिंद लिखा हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, और नीतीश जी जाते जाते आप कहाँ से हैं ये जरा बता दीजिए, हमने गलती की पूछा नहीं आपसे। आपका भी धन्यवाद है और लास्ट में इतना ही बोलेंगे जय हिंद, और हम मधेपुरा जिला से आते हैं, समझे। अच्छा, मधेपुरा जिला में अगर शिक्षा की बात किया जाए तो हमारे स्कूल को देख लिया जाए, देख करके देखे वहाँ के हम टीचर, एक एक टीचर मतलब गुड है, बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन स्कूल की व्यवस्था देखिएगा क्या है, उससे अच्छा स्टेज है जो सलाह ऑर्केस्ट्रा किया जाता है ना स्टेज, वो उससे ऊपर है, कहाँ मेरा शिक्षा कहाँ जा रहा है, हम कुछ नहीं मांगते सरकार से, सिर्फ जो है ना शिक्षा दे दे बिहार में, मेरा बिहार देख लेगा, सबसे लड़के अपना हक ले लेगा। नहीं नहीं, शिक्षा का बेहतर एक चीज बताइए, अगर आपको शिक्षित अगर कर देगा तो आज आपको आपका परिवार, आपके माता पिता आपको शिक्षा दिलवाए, शिक्षित आपको किए, तो आपको ज्ञान हुआ कि सही गलत की पहचान करनी आपको आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि तेजस्वी का विरोध, एक मिनट सुन लीजिए, तेजस्वी का विरोध करके मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सच के साथ हैं, आपको सच सही गलत को पहचानना आ गया,
हमारा सवाल ये है कि अगर सरकार अगर सबको शिक्षित कर देगी तो सबको तो सही गलत का पहचान हो जाएगा। तो सरकार तो चाहती है कि अशिक्षा रहे, तब ना जाति के आधार पर वोट होगा भैया, तब ना जाति के आधार पर वोट दीजिएगा। सर देखिए, सही गलत का पहचान हो जाएगा सबको, और भी बेहतर होगा, मेरा स्टेट डेवलप करेगा। बेंगलोर ये कर्नाटक, मतलब ये सब किस नाम से अभी जाना जाता है, बेंगलोर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और एक एक मतलब आदमी जो है ना, किसी का हो जाए कपड़ा का करने है, सबका मतलब सही से खाता पीता है, सही से रहता है। और महंगाई का बात किया जाए तो बहुत मतलब महंगाई भी वहाँ पे बोला था गया है। सरकार तो चाहती है कि शिक्षित ना हो लोग, तब ना उनको वोट देते रहेंगे। जाति के नाम पर वोट होगा, काम करे या ना करे, सही गलत करे या कुछ भी करे, तब ना जाति के नाम पे वोट दीजिएगा। तो सरकार तो यही चाहती है, इसलिए तो अभी जातीय जनगणना भी करवाया जा रहा है। सुन लीजिए एक मिनट, जातीय जनगणना भी करवाया जा रहा है ताकि पता चलेगा कि किस जाति का कितना वोट है, उसी आधार पर कि कहाँ पे, मान लिया मधेपुरा से है, वहाँ पे अगर मान लीजिए यादव का जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे यादव कैंडिडेट दिया जाएगा, जहाँ पे भूमिहार का संख्या ज़्यादा है वहाँ भूमिहार का टिकट दिया जाएगा। तो जातीय जनगणना तो अभी इसीलिए सरकार करा रही है। सर जानकारी मतलब आप भी नहीं लिए पूरा, लेकिन जाति जनगणना हो चुका है और मतलब जो नहीं हुआ है तो हो रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना कोड, जो है ना कोड जारी कर दिया गया है। अब जो है ना कुल्ली देखते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, हम कुल्ली फिल्म देखे थे मिथुन चक्रवर्ती का, वो अपने बिल्ला पे लिखा था कुल्ली नंबर 786, एक मतलब बिल्ला लगा के चले गया कि हम मजदूर है, मेरा नंबर ये है और इस जाति का है, कोड मेरा पहचान होता है, हमको तो नौकरी कंपनी में, और लात से मारो अगर लात से मारो हमको निकालो। अभी आपने बोला कि जातीय जनगणना के बारे में हमको पता नहीं है, तो आपको बता दे कि जातीय जनगणना अभी नहीं हुई है। अभी जो हुई थी वो सिर्फ घर की कोडिंग हुई थी, घर घर जा कर के एक नंबर दिया गया था हर एक घर का, कि अगर एक ही परिवार में अगर तीन लोग, अगर एक घर है उसमें तीन परिवार अगर रहते हैं तो एक घर को तीन भाग में विभक्त कर दिया गया। अभी 15 अप्रैल से जातियों की जनगणना होगी, उसके लिए कोड जारी किया गया है। जातीय जनगणना 15 अप्रैल से होने जा रही है, और पहले जो हुई थी वो घरों की कोडिंग हुई थी। कोडिंग हुआ है तो वो कोड से हम क्या मतलब क्या समझ सकते हैं, कोड नंबर ये दे दिया गया है और बिल्ला नंबर हम मतलब बिल्ला छपा के चले कि हमको मतलब मजदूरी दीजिए भैया, हम इस जाति का है और हम अगर रुपया मांगे तो हमको बिहार लात मार के भगा दीजिए। आपकी बातों से यही पता चल रहा है कि बिहार का युवा अब जाग चुका है, वह जाति पाति से ऊपर उठकर विकास करने वाले को विकास पुरुष की तरफ बढ़ चला है, और जाति जो लोग भी जातिवादी की राजनीति करते हैं, जाति पाति की राजनीति करते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, और जो लोग विकास कर सकते हैं उनका साथ दे रहे हैं युवा। आपका यही कंक्लूजन है? हाँ, देखिए, और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप सौ में बिहार क्यों लिखते हैं, हम और गर्व से बोलते हैं कि वो बिहार का बेटा है और मनीष कश्यप का हम भाई हैं, समझे, और वैसा हम मतलब चाहते नहीं है कि हम उसके मतलब फिगर बना करके सीने पे और छपाए कि हम मतलब मनीष कश्यप का ये सपोर्टर है, हमको टीआरपी नहीं चाहिए। आज तक देख मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं कहीं पे हम मतलब उतना फॉलोवर नहीं कमाए, अगर जितना दिन उनसे जुड़े हुए हैं ना, अगर उनका प्रशंसा भी करते तो अभी मेरा लाखों में नहीं तो बिहार मेरा बदल जाए वही मेरे लिए बहुत काफी है। बहुत लोग तो अब ये आप पे आरोप लगाएगा, ये सवाल हमसे नहीं किया, हमने आपसे नहीं किया, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि टीआरपी के कारण ये लोग कर रहा है, बहुत सारे लोग आप पर आरोप बोल देते हैं। टीआरपी के लिए हम कुछ भी टीआरपी के लिए नहीं किए हैं, इससे पहले देख लीजिएगा एक बच्चा भी खोया हुआ है, उनका भी हम पोस्ट डाले हैं, लेकिन टीआरपी के लिए हम आज तक मतलब नहीं किए कुछ भी ऐसा नहीं है। और जहां तक की बात है कि हम टैग भी करते हैं, तो अगर मोदी जी को टैग करते हैं तो मोदी का दलाल हो गए, अगर बच्चा खोया है तो रेलवे स्टेशन को टैग किए तो मतलब हम रेलवे स्टेशन का चाटुकारी का हो गए हैं। चलिए नीतीश कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जाति पाति से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए योगदान देना चाहते हैं, और आज का युवा को आपसे सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग जाति पाति से ऊपर नहीं उठेंगे हमारा भी बिहार इसलिए बर्बाद आज तक होता रहा है सिर्फ जाति के कारण, क्योंकि लोग जात के नाम पे वोट करते हैं, विकास के नाम पे वोट होता नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, स्कूल की स्थिति क्या है, इस पर वोटिंग ही नहीं होती, सिर्फ इस बात पे वोटिंग होती है कि किस कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट जो है किस जाति का है, उस आधार पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बिहार के युवाओं को वैसे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। जी बोलिए। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार को बिहार ब्रांड के नाम से जाना जाए, और मनीष कश्यप हर माँ का आंसू पोछा करता था, उनकी माँ के हम आंसू आंसू का भी नहीं हम सब युवा ने देंगे, और मनीष कश्यप के साथ अगर कुछ होता है ऐसा तो बिहार के तमाम जितना भी उनका समर्थक युवा है उसके साथ भी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल पे हमको मौका दिए, कोई दिक्कत मतलब बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाय। और ये लास्ट में बोलना चाहेंगे सर, हम सब जो है जाति प्रथा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और लास्ट में इतना ही बोलेंगे जय हिंद सर, क्योंकि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।